स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने पंजाब के अकाली दल पर निशाना साधा है। गौरतलब है कि बीते दिनों अकाली दल ने सीएम मनोहर लाल का विरोध किया था, विधानसभा के बाहर काले झंडे भी दिखाए थे। मीडिया से रूबरू होते हुए विज ने अकाली दल के प्रदर्शन पर कहा कि विरोध करने का अधिकार सबको है, लेकिन विरोध का तरीका सभ्य होना चाहिए। विधानसभा परिसर में तो विधायकों तक को जब उन्हें निष्कासित किया जाता है तो प्रदर्शन की अनुमति नहीं होती है। उन्होंने ममता बनर्जी पर पूछे गए सवाल पर कहा कि उन्हें इतनी चोट नहीं लगी है जिसका वह प्रचार प्रसार कर रही हैं। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी राकेश टिकैत बनना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि थोड़े बहुत आंसू बहाकर लोगों की सहानुभूति ले लें, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। ट्वीट किया है जो कल मुख्यमंत्री का गहरा हुआ था, क्या कहेंगे? अकाली नेतृत्व को उनके कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा, नेताओं द्वारा विधानसभा परिसर में जो मुख्यमंत्री जी के, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के खिलाफ प्रदर्शन किया गया है, उसका संज्ञान लेना चाहिए। हालांकि हर आदमी को अपनी राजनीतिक विचारधारा को प्रचार प्रसार करने की आज़ादी है, लेकिन उसके कुछ सीमाओं में रहकर ही उसको किया जा सकता है। स्वस्थ प्रजातांत्रिक परंपराओं के रखने के लिए उसका विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए। विधानसभा परिसर में तो विधायकों तक को जब उनको निष्कासित किया जाता है, किसी प्रकार के प्रदर्शन की इजाजत नहीं होती है। बहुत गंभीर मामला है। अकाली पार्टी एक जिम्मेवार पार्टी है, उन्होंने देश के प्रजातंत्र के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं, उनको इसका ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। आरोप लग रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं चोट के ऊपर भी। अब ऐसा है, ममता बनर्जी राकेश टिकैत बनना चाहती है, वो चाहती है कि थोड़े बहुत आंसू बहाकर वो लोगों की सहानुभूति बटोर रही है, लेकिन ममता बनर्जी का तो बंगाल में काम तमाम हो चुका है। उनको कोई ऐसी चोट नहीं लगी है जिसका कि वो इतना प्रचार प्रसार कर रही है। ब्रेकिंग न्यूज, रासबसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक कर।